हज्जे बैतुल्ला 2023 पर जाने वाले हजाज ग्राम के लिए ये खबर काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि इस बार आज यानी वीरवार से श्रीनगर पासपोर्ट ऑफिस से जो है वो इन हजाज ग्राम को पासपोर्ट इशू किए जाएंगे। और आपको बता दें कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से जो है आज से ये पासपोर्ट इशू किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि देविंदर कुमार जिन्होंने हालिया में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर लद्दाख का जो है वो अहदा संभाला है, उनका कहना है कि तकरीबन 300 के करीब हजाज ग्राम के पासपोर्ट्स की वेरिफिकेशन कर ली गई है। उनने कहा है कि इस बार ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो हज बैतुल्ला पर जाने वाले लोग हैं जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से उनकी वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर कर दी गई है। और तकरीबन 300 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट्स की वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही साथ उनने ये भी कहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम वक्त में जो है इन हज पिलग्रिम्स यानी हजाज ग्राम की फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो कंप्लीट किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस बार हज एस्पिरेंट्स के मामलात को मैं पर्सनली जो है वो लुक आफ्टर करूँगा, पर्सनली देखूँगा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और कश्मीर के साथ मिलके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह पुलिस इस बार जो है जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से भी जो वेरिफिकेशन की जा रही है वो प्रायोरिटी बेसिस पर की जा रही है। उनने कहा कि हमें तकरीबन 300 के करीब पासपोर्ट वेरिफिकेशन मिली थी जो हमने जो है CID और जम्मू और कश्मीर पुलिस से मिलकर करवाई। और पासपोर्ट्स जो है वो प्रिंट भी हो चुके हैं, कोई भी डिले जो है उनकी प्रिंटिंग में नहीं किया जा रहा है और बहुत कम समय में इस बार जो है ये काम अंजाम दिया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस पासपोर्ट ऑफिसर देविंदर कुमार ने एस्पिरेंट्स से ये भी अपील की है कि वो इस स्पेशल ड्राइव में हिस्सा लें और अपने पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करें, क्योंकि आज से जो है ये पासपोर्ट्स इशू किए जा रहे हैं। पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ऑफिस कश्मीर की अगर बात करें, श्रीनगर की अगर बात करें, तो वहाँ से आज हज एस्पिरेंट्स को जो है पासपोर्ट्स इशू किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक लिस्ट जो हज ऑफिस भिमना भेज दी गई है वो भी डिटेल्स वगैरह तमाम तर चीज़ें जो है हज ऑफिस भिमना जो है वो भेज दी गई है। और जिन लोगों के भी पासपोर्ट जो है वो क्लियर हुए हैं वो आएँ और आज से इस ड्राइव में हिस्सा लें और अपने पासपोर्ट्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रिंटिंग डिटेल्स हैं जो प्रोवाइड की जा रही है एस्पिरेंट्स को हज के लिए जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें और आज से अपने पासपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करें और हज फॉर्म जो फिल करना है आपने वो भी प्रिंटिंग वगैरह जो भी मामलात एस्पिरेंट्स के साथ पेश आएंगे वो तमाम तर इंतज़ामिया जो है वो इनका भरपूर साथ देगी। लिहाजा जो भी हज बैतुल्ला पर जाने वाले लोग हैं वो इस बार जो है उनकी वेरिफिकेशन बहुत कम समय में हुई है और वो आज से अपने पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी एक बड़ी और अहम खबर थी जो हज बैतुल्ला पर जाने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। आप आज से हज ऑफिस श्रीनगर भिमना श्रीनगर से अपने पासपोर्ट वगैरह जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं।